इधे मंचावर खासदार आहे, आणि एक कामदार सुद्धा आहे। यहां बोलता ना येलकोट। बालू मामाच्या नावाने हर हर महादेव। मी महाराष्ट्राचे कुलदैवत विठोबा रखुमाई आणि माढेश्वरी देवी यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। तुम्हा सर्वांनाही माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। ये धरती संतों की है, वारकारी संप्रदाय अनेक संतों का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। उनकी प्रेरणा से आज मोदी विकसित भारत के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा इस बात की कि हमारे देश के पॉलिटिशियनों ने ऐसी आदत डाली है कि सभा अगर 11 बजे घोषित होती है तो नेता 1 बजे आता है, और जनता को भी धीरे धीरे आदत लग गई, हाँ यार वो तो 1 बजे आएंगे। अब मेरी मुसीबत है कि मैं समय पे आ जाता हूं, और उसके कारण बहुत से नागरिकों को अन्याय होता है। मैं आया हूं तब से देख रहा हूं पूरा जुलूस आ रहा है वहां से। अब इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं, मैं उनको मेरी बात नहीं कह पाऊंगा, इसलिए जो अभी पहुंचे नहीं हैं मैं उनके भी पहले से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आगे के कार्यक्रम में जाने के लिए मैं अपनी बात करके चला जाऊंगा। तो आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। आप इतने दूर दूर से आते होंगे, गांवों से आते होंगे और इस सभा के लिए आते होंगे, लेकिन मेरी कठिनाई है कि मैं आपके दर्शन किए बिना आगे निकल जाऊंगा। तो मैं क्षमा मांग करके मेरी बात शुरू करता हूं। लेकिन साथियों, ये जो हुजूम मैं देख रहा हूं, वहां धूप में भी इतने लोग खड़े हैं, ये प्यार ये बहुत बड़ी ताकत होती है जी। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है जी। पिछले 10 साल में आपने जब से मुझे काम दिया है, अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ नम्र भाव पूर्वक आपकी सेवा में लगाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के
60 साल में अंतर देख रहे हैं। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय, लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब माला जपते रहते ना, और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे, उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई अगर गरीबी से मुक्त होता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई गरीब का भला हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जरा माताएं बहनें बताएं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अगर किसी को गरीबी से बाहर निकालते हैं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? 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 मोदी को नहीं मिलेगा। ये जो 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को एक काम करने के लिए कहा था। और इसलिए इस पुण्य के सच्चे अधिकारी आप हैं। आज 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है, उनका चूल्हा जलता रहता है, उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, इसका पुण्य किसको मिलता है? आपको मिलता है। आपने मोदी को वोट देकर के ये पुण्य कार्य करने के लिए भेजा है। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया उतना आज हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका सीधा लाभ भगवान विट्ठल की इस धरती को भी हो रहा है। यहां पालखी मार्ग हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ऐसे हर काम पर महायुति की हमारी सरकार
तेजी से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की जनता जब प्यार देती है, जब आशीर्वाद देती है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर कोई अपना वचन पूरा नहीं करता तो महाराष्ट्र की जनता उसे भी बराबर याद रखती है। रखती है कि नहीं रखती है? और हिसाब बराबर समय आने पर चुकता करती है कि नहीं करती है? अब देखिए, 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देना का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साथियों, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का ये पाप सालों साल से होता रहा है। कांग्रेस को 60 साल तक देश ने राज करने का हक दिया, काम करने का मौका दिया। 60 साल में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए, लेकिन कांग्रेस किसानों के खेत तक पानी भी नहीं पहुंचा पाई। 2014 में देश में 99 सिंचाई योजना ऐसी थी, करीब 100 सिंचाई ऐसी योजनाएं थी जो कई कई दशकों से लटकी पड़ी थी। इसमें भी सबसे ज्यादा 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र की थी। सोचिए कितना बड़ा धोखा इन लोगों ने महाराष्ट्र को दिया है। साथियों, हर खेत में पानी पहुंचाना, हर घर तक पानी पहुंचाना, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मिशन है। 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने पूरी शक्ति इन सिंचाई परियोजनाओं के ऊपर लगा दी। आज कांग्रेस की लटकाई वो करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं से 63 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। जिस नीलवांडे डैम का इंतजार 50 सालों से हो रहा था, उसे हमने पूरा करवाया। गौसीखुर्द परियोजना का ज्यादातर काम एकनाथ जी, अजीत दादा और देवेंद्र जी की टीम तेजी से पूरा कर रही है। हमारी सरकार 5 साल में ही 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा चुकी है। 10 साल में माइक्रो इरिगेशन का दायरा भी 2 गुने से अधिक बढ़ा है। इसका लाभ यहां केले की पैदावार से जुड़े किसानों को भी हो रहा है। साथियों, जब देश की आजादी के 75 साल हुए, इतना बड़ा उत्सव था, कोई और नेता होता तो क्या करता? कोई एक बड़ा स्तंभ खड़ा कर देता, उस पर अपना नाम लिखवा देता, कोई ऐसी चीज बना कर देगा खुद के नाम पर जड़ देता। लेकिन देश जब आजादी के 75 साल मना रहा था, तब मोदी को खुद के लिए कुछ करने का विचार नहीं आया, सरकार का नाम कमाने का विचार नहीं आया,
तब मैंने संकल्प लिया था कि देश के हर जिले में 75 साल के निमित्त 75 अमृत सरोवर बनवाऊंगा। अमृत सरोवर अभियान के तहत अनेकों अमृत सरोवर देश के हर जिले में बने हैं। ये अमृत सरोवर मेरे दिमाग में मेरा किसान था, मेरे दिमाग में खेत था, मेरे दिमाग में सूखे खेतों को पानी पहुंचाने का एक संकल्प था। ये अमृत सरोवर आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत काम आने वाले हैं। साथियों, ये हमारा महाराष्ट्र तो सहकारिता की धरती है। यहां के हमारे शुगर कोऑपरेटिव की किसानों को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मोदी देश की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए 2019 में जब आपने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो हमने पहली बार देश में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मिनिस्ट्री बनाई। हमने देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओज बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें से 8,000 बन भी चुके हैं। यहां महाराष्ट्र में ऑनलाइन बिक्री से लेकर एक्सपोर्ट तक यहां के हमारे किसान उत्पादक संघों का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये हमारी पीएसएस उनको भी मजबूत किए जा रहा है, इनको सरकार की अनेक दूसरी योजनाओं की सेवाएं देने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो छोटा किसान होता है उसके पास भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, इसलिए उसे मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है। अब हमने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर काम शुरू किया है। इसकी जिम्मेदारी भी सहकारी संस्थाओं को दी गई है। इसे किसान को अपने हिसाब से उपज मार्केट में लाने का विकल्प मिलेगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्याज, टमाटर और आलू किसानों की उपज की भी चिंता की है। आने वाले 5 साल में देश भर में विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा महाराष्ट्र के प्याज किसानों को होगा। साथियों, ये अगाड़ी वाले किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें आज करते हैं। 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी तब क्या स्थिति थी, एक किसानों को याद दिलाना मेरा दायित्व है। और मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया हूं, मैं देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, मेरे देश के किसानों को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। 10 साल जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी तब यहां के कद्दावर नेता देश के कृषि मंत्री थे, और क्या हुआ था, जब यहां के बड़े कद्दावर नेता दिल्ली में बैठे राज करते थे तो गन्ने का एफआरपी करीब 200 रुपये था, और आज मोदी के सेवा काल में गन्ने का एफआरपी 340 रुपये प्रति क्विंटल यानी करीब करीब 350 रुपये। जब ये कद्दावर नेता वहां कृषि मंत्रित्व के नाते बैठे थे तब गन्ना किसान अपने एरियर के लिए शुगर कमीशन के ऑफिस का चक्कर लगाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज देश में करीब करीब 100% एरियर पेमेंट होता है।
2014 में गन्ने का एरियर पेमेंट 57,000 करोड़ रुपए का था और इस साल 1,14,000 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। इसमें 32,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के किसानों को मिले हैं। साथियों, इनकम टैक्स को लेकर हमारी शुगर मिल्स 90 के दशक से परेशान थी और ये कद्दावर नेता दिल्ली में बैठे थे। मैं उनको बार बार समझाता था कि भाई आपके महाराष्ट्र में भी ये कोऑपरेटिव मिले हैं शुगर की, गुजरात में भी है, परेशानी हो रही है। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, चिट्ठियां लिख रखता था, मिलकर के बताता था, लेकिन 2014 से पहले ये कद्दावर नेता का डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी शुगर मिल्स की इनकम टैक्स की समस्या का समाधान नहीं किया। जब मोदी को सेवा करने का मौका मिला, एनडीए की सरकार बनी, तो हमने उसका समाधान कर दिया। हमने कोऑपरेटिव शुगर मिलों को 10,000 करोड़ रुपए की राहत दी, यानी पुरानी इनकम टैक्स डिमांड माफ की, कानूनी मामलों का समाधान भी किया। इसका फायदा हमारे गन्ना किसानों को हुआ। मार्च 2023 से शुगर मिलों को हमने 10,000 करोड़ रुपए का विशेष लोन का प्रावधान भी किया है, ताकि शुगर मिल हर प्रकार का काम तेजी से कर सके, किसानों की पेमेंट न रुके। जब यहां के कद्दावर नेता दिल्ली की सरकार में थे, तब सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ 7.5 लाख रुपए की खरीद की थी, 7.5 लाख करोड़ की। आज 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए की खरीदी हमने करके दिखाई है। कहां 7.5 लाख करोड़ और कहां 20 लाख करोड़। महाराष्ट्र के दलहन तिलहन किसानों से 16,000 करोड़ रुपए की खरीद हमारी सरकार ने की है। साथियों, पहले दिल्ली से किसान के नाम पर थोड़ा भी पैसा निकलता था तो यहां कांग्रेस का पंजा उसे लूट लेता था, लेकिन अब दिल्ली में आपका ये बेटा बैठा है, अब दिल्ली से आपके हक की निकली पाई पाई आपके खाते में पहुंचती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हुए हैं। इसमें से महाराष्ट्र के किसानों को भी 1,000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथियों, बीते दशकों में किसानों ने अन्न की पैदावार में भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। अब हमारा संकल्प है विकसित भारत में अन्नदाता विकसित भारत की ऊर्जा बने, अन्नदाता ऊर्जा दाता बने। 10 साल पहले देश में सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन होता था, अब देश में 500 करोड़ लीटर उससे भी ज्यादा इथेनॉल का उत्पादन होता है। इससे पिछले 10 सालों में किसानों के पास 70,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त गए हैं और ये पैसा गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, हमने गोवर्धन योजना भी शुरू की है। एनडीए सरकार देशभर में गोवर्धन प्लांट लगा रही है, ताकि पशुओं के गोबर से गैस, गैस से बिजली और किसानों की कमाई भी बढ़े, इसमें से जैविक खाद पैदा हो, ताकि हमारी जमीन के लिए काम आ जाए और कम कीमत में उपलब्ध हो। साथियों, किसानों को सौर ऊर्जा दाता बनाने पर भी हम काम कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना से सोलर पंप के लिए खेत खाली पड़ी जमीन में छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। इससे किसान मुफ्त बिजली भी उपयोग कर पाएगा और बाकी बिजली सरकार खरीदेगी। अब तो मोदी ने हर परिवार के बिजली बिल को जीरो करने का बीड़ा उठाया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाने के पीछे यही उद्देश्य है। इसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद करी,
बैंक खाते में पैसा डालेगी, जितनी जरूरत हो उतनी मुफ्त बिजली का उपयोग करो और बाकी बिजली सरकार को बेच दो, कमाई करो, यानी बिल भी जीरो और बिजली से कमाई भी। ये होता है मोदी की गारंटी का मतलब। भाइयों बहनों, विकसित भारत बनाने में देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी गांव की अपनी करोड़ों बहनों को सशक्त करने में जुटा है। 10 वर्ष में हमने 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। आज ये बहनें गांव की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। हमारे प्रयासों से कुछ समय के भीतर 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी है। आंकड़ा बहुत बड़ा है, 1 करोड़ बहनें मेहनत करके कमाई करके लखपति दीदी बनी है। और अब मोदी ने गारंटी दी है कि मैं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा। और तभी तो हिंदुस्तान कोने कोने से हर मां, हर बहन, हर बेटी एक ही बात कह रही है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साहजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे, आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके बैंक में क्या खाते में पड़ा है, आपके घर में कितना सोना पड़ा है, कितने पैसे पड़े हैं, ये सारा उसका हिसाब किताब लगाएंगे। और फिर कहते हैं वो हम बांट देंगे, ज्यादा जो है ले लेकर के बांट देंगे। इतना ही नहीं, वो एक ऐसे टैक्स की बात कर रहे हैं, आज आप हर माँ बाप मेहनत करके कुछ न कुछ बचत करता है, अपनी जरूरत को कम करके बचत करता है, क्योंकि उसके मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ देकर के जाऊं, अपने संतानों को कुछ देकर के जाऊं, और इसलिए वो कुछ न कुछ बचत करता है। अब ये कहते हैं जो बचत करते हैं आप, उस पर सिर्फ आपके संतानों का हक नहीं होगा, उस पर सरकार का भी हक होगा। और जो भी आपने बचाया है बच्चों के लिए, वो बच्चों को जाने से पहले आधा से ज्यादा सरकार ले लेगी। अगर आपके पास 10 एकड़ की जमीन है, अब आपको 10 एकड़ की जमीन बच्चों को नहीं दे पाएंगे, 5 एकड़ सरकार ले लेगी। आपने गांव में एक घर है, शहर में घर बनाया है, तो घर गया समझ लीजिए। अब मुझे बताइए, आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या जो आपकी मेहनत का पैसा लूट ले? ऐसी सरकार चाहिए क्या आपकी संपत्ति छीनने का उनका इरादा? ये खतरनाक इरादा है, ये मार्क्सवादियों का विचार है, ये नक्सलवादियों का विचार है। और इसलिए ऐसे लोगों से एक भी आदमी जीत करके दिल्ली नहीं जाना चाहिए। इन सब से आपको कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है। और उनके सारे साथी भी ऐसे ही हैं। साथियों, आज अयोध्या में 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बना। राम मंदिर बनने से हर कोई खुश है। आप खुश है कि नहीं है? अब मुझे बताइए भाई, कि अंग्रेजों के जाने के बाद, देश आजाद होने के बाद, पहले ही दिन राम मंदिर का काम शुरू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इतने साल क्यों लटका रहा? क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति थी, उनके वोट बैंक की चिंता थी, आपकी आस्था की चिंता नहीं थी, आपकी भावना की चिंता नहीं थी, आपकी श्रद्धा की चिंता नहीं थी। कांग्रेस के पास मौका था,
लेकिन कांग्रेस ने इस पवित्र काम में सिर्फ रुकावटें पैदा की। जिसकी राम में आस्था होगी वह ऐसे काम कभी नहीं कर सकता। कांग्रेस की राम में ना आस्था है और ही उसके पास ऐसा एहसास है और उनके सारे चेले चपाटे भी यही है। ऐसा काम कोई डरी हुई पार्टी नहीं कर सकती, तुष्टिकरण के दबाव से गिरी हुई पार्टी नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए जो साहस चाहिए होता है वो साहस मोदी ने दिखाया है। और डंका की चोट पर 500 साल का इंतजार खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया। और ये कहते थे राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, कोई आग लगी क्या? मंदिर बना कि नहीं बना? और भाइयों बहनों, 500 साल के बाद जो सपना पूरा हुआ है ना, उसका कारण आपका एक वोट है, आपके वोट की ताकत है जिसने 500 साल के इंतजार को खत्म किया है। इस पुण्य के हकदार आप हैं जिनके वोट की वजह से पवित्र काम पूरा हुआ। भाइयों और बहनों, आपका वोट मजबूत भारत के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए पड़ना चाहिए। अब मुझे बताइए, जिनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे वो पार्टी आज 250 पौने 300 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 272 तो सीट चाहिए भाई, वो इतनी लड़ाई नहीं रहे तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेंगे कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप वोट दे करके सरकार को मजबूत बनाइए। और आप जब वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। सात मई को गर्मी कितनी ही क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान। मतदान किए बिना जलपान नहीं करेंगे, ये हमें संकल्प करना है। 7 मई को मेरे साथी रंजीत नायक निंबाळकर जी को आप जो वोट डालेंगे वो मोदी की शक्ति बढ़ाएगा। माढ़ा के लोगों से मेरा एक आग्रह और है, आप इनको तो जिताइए लेकिन मेरा एक और काम करिए। यहां से जाने के बाद गांव में, मोहल्ले में, परिवार में सबको बताना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है, प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, सभी को मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।